वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें आती हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। पहले मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस है उसका ये पार्ट है, एक एलिमेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो एक एलिमेंट है वेरिफिकेशन वैलिडेशन का। और वेरिफिकेशन वैलिडेशन किसके अंदर आता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस में। ठीक है जी, तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि क्या सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है जिस जो आपने लिखा है वही काम कर रहा है, जो आप चाहते हो वो काम कर रहा है। वैलिडेशन का मतलब यह है कि क्या सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है जो रिक्वायरमेंट में है, जो यूजर चाहता है। कहने का मतलब, मान लीजिए फंक्शन एड आपने लिख दिया, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, ये एड फंक्शन दो नंबर को एड करता है, ए प्लस बी, ये सी बनाता है। आप कहेंगे हां ये सही बनाता है, तो वेरिफिकेशन हो गया। और वैलिडेशन का मतलब यह है कि यूजर ने आपसे मांगा था सब्ट्रैक्ट, यूजर ने सब्ट्रैक्ट फंक्शन मांगा था और आपने दे दिया उसको एडिशन, तो वैलिडेशन गलत हो गया। वेरिफिकेशन का मतलब वो जो काम को, जैसे सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों सही काम कर रहे हैं, आपने दोनों लिखे, वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर आप यूजर को सब्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो मांग रहा था ऐड, तो इसका मतलब यह है वैलिडेशन गलत हो गया। वैलिडेशन मतलब यूजर जो चाहता है वो आपको देना है। तो बोयम साहब कहते हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने एक लाइनर डेफिनेशन दी है कि वेरिफिकेशन का मतलब यह होता है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। इसका मतलब क्या जो मैं चाहता था, मैं मतलब एज अ डेवलपर, वो हो रहा है। और वैलिडेशन का मतलब ये होता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या यूजर जो चाहता है वो मैं सही बना रहा हूं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन में कई सारी चीज आती है। पहले मैं आपको इसको समझा दूं, ये इसको वेन डायग्राम से समझिए कि वैलिडेशन जो होता है उसमें कस्टमर की जो कस्टमर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि कस्टमर ने कुछ अपने पैरामीटर तय किए हैं कि भाई मुझे ये चाहिए और वो एक्सेप्ट करेगा उसके तहत। कस्टमर की जैसे यूजिबिलिटी टेस्ट होता है फॉर एग्जांपल। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक मॉड्यूल को चेक करते हैं सही काम कर रहा है, उसको मॉड्यूल को कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। ऐसे तमाम तरीके की टेस्टिंग होती है, इन दोनों को अगर मिला दें तो रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। खासतौर पर जो बीटा टेस्टिंग है वो, और अल्फा और बीटा टेस्टिंग ये जो आती है वो यूजर के साथ होती है। तो अब इसको थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट करके मैं आपको बताता हूं कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चलते हैं तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट लेते हैं यूजर से, तो उसके बाद डिजाइन करेंगे, डिजाइन चाहे सिस्टम डिजाइन कहते हैं, फिर उसके बाद आप आर्किटेक्चर डिजाइन भी कर सकते हैं, मॉड्यूल डिजाइन भी कर सकते हैं, फाइनल आप कोडिंग करेंगे, है ना। तो जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो मॉड्यूल की, मॉड्यूल डिजाइन को टेस्ट करती है छोटे एक लेवल पे, मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल, हर एक कंपोनेंट को। जब आप इसको जोड़ देंगे तो आर्किटेक्चर बन जाएगा। आर्किटेक्चर क्या होता है? ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, ये वैलिडेशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सिस्टम टेस्टिंग, ये पूरे सिस्टम डिजाइन को चेक करेगा, वैलिडेट करेगा। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये चेक करेगा कि रिक्वायरमेंट पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन में अगर अंतर देखा जाए ब्रॉड तौर पर, वो हमने देख लिया। लेकिन वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वेरिफिकेशन का आपके जितने डॉक्यूमेंट है, डिजाइन डॉक्यूमेंट है, ईआर डायग्राम है, टेस्ट प्लान है, ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स है, उन सब को देखना कि वो सही बने हैं कि नहीं बने हैं, वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये जो वेरिफिकेशन होता है ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मैं एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर या डिजाइनर, मैं इसको चेक करूंगा, ये चेक करवाऊंगा। मैं बस ये देखूंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए इन्फॉर्मल रिव्यू हो सकता है, इंस्पेक्शन हो सकता है, वॉक थ्रू हो सकता है, पीयर रिव्यू हो सकता है। और वैलिडेशन जहां तक सवाल उठता है, ये देखते हैं कि जो काम हो गया वो क्या हो गया जो यूजर चाहता था। ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेक किया जाता है, ये कस्टमर इसे देखेगा, ये कस्टमर के लिए हम देखेंगे। तो वैलिडेशन भी सॉफ्टवेयर कोड चला के ही देखा जाएगा। इसमें फंक्शनल टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, स्मोक टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, ये सारे वैलिडेशन में आते हैं।